हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है फ्रीज गैस के लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है, और स्पेशल कर हम लोगों के लिए वीडियो जो है स्पेशल होने वाला है जो कि वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज बाड़ेडी बोकारो में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस गर्ल्स के लिए मैं उससे रिलेटेड बातें बताना चाह रही हूँ, और फिर उन लोगों को मैं अपना रूम खा रही हूँ ताकि उन लोगों के यहाँ आने के बाद कैसा ये सब व्यवस्था मिले, कैसा रहना है, क्या करना और क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्लीज़ गैस जरूर इस वीडियो को एक बार जरूर आने से पहले देखिए, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ एंड तक देखिए ताकि सारा कुछ आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए गैस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। गैस, जो भी हॉस्टल में रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए वीडियो के एंड तक देखिए। अभी मैं खिड़की के पास बैठी हुई हूँ और बाहर जो अमरूद का पेड़ है जो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए गैस, मैं ये अपना खिड़की तरफ बैठी हूँ रूम के, तो चलिए मैं अपना रूम भी दिखा देती हूँ आप सबको। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आप लोग को रूम। देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा ये अलमीरा है, यहाँ पर सिर्फ दो ही अलमीरा है जो आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, और फिर ये भी अलमीरा है। देखिए यहाँ पर मतलब कि दो लड़कियों का सामान एडजस्ट करने के लिए है, और एक जो है इस साइड है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा इस साइड है एक, और फिर एक नीचे, और एक दोस्त की है, और फिर एक ओ दिख रहा होगा वो घर चली गई है। फाइनली मैं दिखाऊं तो ये देखिए हम लोग का रूम है, भी लाइट एक ही तो जलता है इसलिए थोड़ा अंधेरा जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए, एक रूम में जो है चार लोग को एडजस्ट करना है। देखिए, दो लोग हम लोग यहाँ पर रहते हैं, एक मेरी यहाँ दोस्त रहती है और ये मेरा बेड है। और चलिए और भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, और ये हम लोग का है स्टडी टेबल जो आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में। वीडियो तो थोड़ा अच्छा नहीं आ पा रहा है क्योंकि लाइट की कमी है, लाइट हम लोग का रूम में सिर्फ एक ही है। देखिए, आप लोग को जो दिख रहा होगा वहाँ से लेकर के यहाँ तक वो हम लोग का स्टडी टेबल है, हम लोग को स्टडी करने के लिए दिया गया है। एक रूम में चार लड़कियाँ रहती है बट स्टडी टेबल तीन ही मिला है, उसी में सबको मैनेज करना है। देखिए, ये हम लोग का रूम है, और ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये हम लोग के लिए जो चेयर है, ये देखिए एक यहाँ है और फिर एक वहाँ जो आप लोग को दिख रहा होगा, और फिर दो रूम है, यानी कि जिस रूम में हम लोग चार रूम में मतलब लड़की लोग जो चार रूम में रहते हैं उन लोग के लिए एक एक कुर्सी दिया गया है पढ़ने के लिए। ऐसा हम लोग को दिख रहा होगा हम लोग का दरवाज़ा है जो हम लोग अभी अंदर से लॉक किए हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कुछ बाहर का, थोड़ा सा मैं ये दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसा है। देखिए, आप लोग को ये दिख रहा होगा ये हम लोग का बरामदा, आप लोग को मैंने रूम दिखाई दिख रहा होगा आप लोग को। फाइनली ये हम लोग का रूम है, मैं भी रूम में ही बैठी हूँ। तो गाइस, इस आप सबको मैं एक बता दूँ कि देखिए जो आप लोग को दिख रहा होगा बेडशीट और गदा ऐसा, तो ये सब खुद का लाना होता है, यहाँ मिलता नहीं है। बस आपको बेड मिल जाएगा और कुर्सी मिल जाएगा, स्टडी टेबल मिल जाएगा, और खाने के लिए अपने से थाली लाना होगा, तो लास्ट प्लेट जो भी वो सब लेकर के ही आना होगा। तो देखिए गाइस, ये हम लोग का है रूम। तो प्लीज़ यदि आप लोगों को कुछ और प्रश्न होगा तो प्लीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा।